गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल मेंडलवाद क्या है, मेंडल की सफलता के कारण क्या हैं, ये टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आप सबने अच्छे से याद भी किए होंगे और अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारे भी होंगे, नोट्स भी बनाएंगे। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं मटर के पादप का चयन क्यों किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, अन्य प्रकार के पादप का चयन क्यों नहीं किया, तो क्या कारण है इसके पीछे, कारण जो भी हैं कारण पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला कारण तो यह है कि मटर का पादप जो होता है वो एक वर्षीय पादप होता है, यानी इसकी उम्र जो है एक वर्ष होती है, और एक वर्ष होती है तो इसकी पीढ़ियों का अध्ययन करना आसान है। जैसे मैं कहूँ आपको कि एक मटर का पादप का बीज उगाया हमने, उसे पादप बना, उस पादप से एक साल के अंदर अंदर उसकी फली आ जाती है, फली से नए बीज बन जाते हैं, और उन बीजों को वापस उगा कर नया पादप प्राप्त किया जा सकता है, तो नए पादप उसकी संतति हो जाएंगे, तो अध्ययन करना आसान रहा। यही अगर इसकी जगह कोई दूसरा पादप होता जिसकी उम्र 50-60 साल होती तो एक पादप का अध्ययन करने में ही उम्र गुजर जाती। इसीलिए पहला कारण तो ये हो गया कि एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में चलिए, क्या कारण हो गया, एक वर्षीय पादप है तो कम समय में इसके अनेक पीढ़ियों का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, मटर का पादप जो होता है ये द्विलिंगी होता है। अब द्विलिंगी क्या होता है, देखो कोई भी पादप होता है तो पादप के अंदर जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंदर दो प्रकार की चीजें पाई जाती है। जैसे नर में शुक्राणु पाए जाते हैं, मादा में अंडाणु पाए जाते हैं, उसी प्रकार पुष्प के अंदर नर शुक्राणु की तरह तो काम करते हैं परागकण, और मादा अंडाणु की तरह काम करता है बीजांड। यानी कि ये दोनों चीजें एक ही पुष्प के अंदर है तब वो है द्विलिंगी, और यदि इनमें से कोई एक है तो वो कहेगा एकलिंगी। तो द्विलिंगी है तो उसके पुंकेसर को हटाकर उसके वर्तिकाग्र में डाला जा सकता है। तो दूसरी बात हम कहेंगे कि द्विलिंगी पुष्प होने के कारण द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण द्वारा शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है। यानी उसके अंदर पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, तो उस पुंकेसर को क्या करते हैं, उसके स्त्री केसर में डाला जा सकता है, जिससे नया फल बनेगा, नई फली बनेगी, फली से बीज बनेगा, तो उस बीज से जो नया पादप बनेगा वो हूबहू पहले वाले पादप के समान होगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो उसे क्या किया जा सकता है, शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है। यानी जैसी जनक संतति होगी वैसी की वैसी उसकी पुत्री संतति भी होगी, वैसी की वैसी, इसलिए इसको कहते हैं शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जाता है। यानी नए गुण समाहित नहीं होंगे, जो गुण उसके मुख्य पादप में होंगे वही उसके नए पादप बनने वाले हैं, उनमें भी वही गुण होंगे। तो पहली बात तो ये हो गई, अब नए गुण नहीं आएंगे तो अध्ययन करना आसान होगा ना, नए गुण आ गए तो अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा इस वजह से। तीसरा पॉइंट हो गया, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है।
ज्ञात हुआ यानी विपुंसन विधि। इसमें क्या किया जाता है, उस पुं के सर को हम किसी वस्तु, किसी छोटी सी वस्तु द्वारा या किसी विधि द्वारा उस पुं के सर को हटा के किसी भी तरीके से हम उस वर्तिका के अंदर खुद डाल सकते हैं। तो जैसे ही इस पुं के सर को उठा के उस पुष्प की वर्तिका के अंदर डाल देंगे तो वहाँ हो जाएगा परागण। परागण होने से वहाँ क्या हो जाएगा, बीजांड से नए बीज बनेंगे, बीज से फली का निर्माण हो जाएगा और फली में मटर के जो बीज होंगे उनसे नए पादप बनाए जा सकते हैं। तो कृत्रिम परागण भी पर परागण किया जा सकता है। स्वपरागण का मतलब होता है कि उसी पुष्प के पुंकेसर का उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना, यानी एक ही पादप है उसी के अंदर पुंकेसर, उसी के अंदर वर्तिकाग्र। लेकिन यदि मैं कहूँ कि एक मटर का पौधा यहाँ है एक यहाँ है, तो यहाँ के परागकण जो हैं वो किसी कारण से उठकर यहाँ पर आ जाते हैं इस वर्तिकाग्र, इस पादप के, पादप भी समान जाति के होने चाहिए, तो ये हुआ पर परागण, यानी पराय पादप द्वारा क्या हुआ परागण। तो पर परागण भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मटर के पादप में सात जोड़ी विप्यार्षी लक्षण, पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मटर के अंदर सात जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। विपरीत लक्षण मतलब जैसे मैं कहूँ कोई व्यक्ति लंबा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोना है। कोई मोटा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पतला है। तो ऐसे सात जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पादप के अंदर। तो ये चार कारण जो है मुख्य रूप से मटर के पादप के चयन करने का, तो ये कारण आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनके टेक्निकल पॉइंट को याद रख के भी आप याद कर सकते हो। क्या क्या याद रखना है, पहला तो एक वर्षीय पादप याद रखते आपके दिमाग में आ जाएगा अनेक पीढ़ियों का अध्ययन। दूसरा द्विलिंगी, इसे याद रखिएगा एक वर्षीय द्विलिंगी। तीसरा विपुंसन विधि और चौथा सात जोड़ी विप्यार्षी लक्षण। ये चार टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, इससे आपको पूरी लाइन याद रहेगी। चलिए अब ऐसे सात जोड़ी लक्षण जो है वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो मटर के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए विप्यार्षी लक्षण कौन कौन से होंगे, ठीक है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए पादप के लक्षण, अब देखिएगा सात जोड़ी लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं। देखिएगा पहले तो आ रहे हैं पादप के सर लक्षण ले लेंगे, यहां पर इधर ले लेंगे इसके प्रभावी लक्षण और इधर ले लेंगे अप्रभावी। प्रभावी अप्रभावी क्या होते हैं अभी बताता हूँ आपको मैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं आपको एक बात कहूँ कि एक पादप था बोना और एक पादप था लंबा, मैंने क्या किया, बोने पादप में से पराग कण निकाल कर लंबे पादप के अंदर उसकी वर्तिका के अंदर डाल दिए, तो वहां से नई फली बनेगी, उस फली से बीज बनेंगे, बीजों को वापस बोएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे पौधे लंबे ही होंगे। यानी ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रकट होते हैं, यानी दो पादों का जब आपस में संकरण कराया जाता है तो उसे जो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होंगे सबसे पहले उन्हें कहा जाता है प्रभावी लक्षण। ये प्रभावी अप्रभावी हमने नहीं बनाए हैं, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने बनाए प्रयोग करके। तो जैसे मैं बात करूं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, तो देखते हैं पहला पहला लक्षण होता है जैसे पादप की लंबाई, अब मैं पादप की लंबाई की बात करूं तो पादप की लंबाई में आप ध्यान रखिएगा, अब प्रभावी लक्षण जो होगा वो तो होगा इसके अंदर लंबापन या लंबा, और अप्रभावी लक्षण जो होगा वो होगा बोना। यानी आप मुझे बताइए जरा एक चीज है, यदि मैं आपको कहूं कि एक लंबा पौधा एक बोना पौधा दोनों का जब मैंने संकरण करवाया तो उसकी संतति से जो पौधे बने वो कैसे प्राप्त हुए, आप कहोगे लंबे प्राप्त हुए। लंबे प्राप्त हुए तो ये प्रभावी हुए, क्या नहीं प्राप्त हुए कि सर बोने प्राप्त नहीं हुए, तो फिर ये कौन है अप्रभावी है। ठीक है, इसी प्रकार देखो प्रथम पीढ़ी में और कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। अगला है पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की स्थिति में याद रखिएगा पुष्प स्थिति एक तो होती है कक्षीय,
जनरली जो पादप का पुष्प होता है मटर का, वो कक्षीय होता है, ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ खुला हुआ, आडा टेढ़ा नहीं। और एक होता है अग्रस्थ, ठीक है, तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या होगा, कक्षीय। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, पुष्प का रंग पुष्प का रंग, तो पुष्प के रंग की बात करें तो पुष्प का रंग जो नॉर्मली जो होता है वो होता है बैंगनी। नॉर्मली पुष्प का रंग कैसा होता है, बैंगनी। यदि बैंगनी नहीं हुआ तो कैसा होगा, सफेद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई बैंगनी फूलों वाला पौधा और सफेद रंग के फूलों वाले पौधे के मध्य जब संकरण कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में कैसा कैसे रंग वाला फूल प्राप्त होंगे, बैंगनी रंग के, इसलिए कैसे लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। चलिए फोर्थ नंबर पे लेते हैं, फली की आकृति, फली की आकृति। अब फली की आकृति जो है वो कैसी होगी, तो देखिए फली की आकृति, एक तो फली होती है बिल्कुल फूली हुई, है ना, फूली हुई फूल मटर भरे हुए, और एक होती है बिल्कुल पिचकी हुई जिसके अंदर मटर बिल्कुल कम होते हैं, संकीर्णित कहते हैं उसको, इसको कहते हैं संकीर्णित, ठीक है। तो इसका प्रभावी लक्षण क्या हुआ, फूली हुई। चलिए पांचवा लेते हैं, फली का रंग, फली का रंग। चलिए आपको पता होना चाहिए, मटर की फली तो आपने देखी है, फली का रंग कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन किसी कारण से उसके अंदर अप्रभावी लक्षण आ गए तो हरा नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा उसका रंग, पीला हो जाएगा। अप्रभावी लक्षण बहुत ही खतरनाक होते हैं, होने प्रभावी लक्षण चाहिए किसी भी पादप के अंदर, अप्रभावी लक्षण नहीं होने चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, सिक्स नंबर पे, वो है बीज की आकृति, बीज की आकृति। तो मटर के बीज कैसे होने चाहिए भाई, गोलाकार होने चाहिए, गोलाकार। लेकिन यदि मटर के बीज जो है वो गोलाकार नहीं है तो वो कैसे होंगे, झुर्रीदार। यानी झुर्रियां होगी उनके ऊपर। चलिए सातवां पॉइंट लेते हैं, सातवां पॉइंट है बीज का रंग, बीज का रंग। चलिए तो बीज का रंग कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, हल्का पीला होना चाहिए। यदि बीज का रंग पीला नहीं है तो कैसा होगा, हरा, ठीक है। चलिए तो बीज का रंग पीला और हरा, ये आ गए इसके प्रभावी लक्षण और ये हो गए इसके अप्रभावी लक्षण। तो यहां पर देखिए हमने ये सात जोड़ी पादप के जो विप्यार्षी लक्षण है वो पढ़ लिए, विप्यार्षी का मतलब उल्टे लक्षण, देखो बिल्कुल उल्टे हैं ये, लंबा तो बोना, कच्चे अग्रस्त, बैंगनी सफेद, फूली हुई संकीर्णित, हरा पीला, गोलाकार झुर्रीदार, और पीला और हरा, ठीक है। अब एक एक लक्षण का जो ग्रेगर जोन मेंडल ने पूरा अध्ययन किया है, लेकिन प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन करके इन्होंने सारे नियम बनाए हैं। एक नियम ऐसा आएगा जिसमें दो लक्षण एक साथ लिए हैं तो वो तीसरा नियम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तुम यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में अच्छे से काम करना। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, रूपरेखा के अकॉर्डिंग देख लेता हूं एक बार, रूपरेखा में क्या पॉइंट था अपना, अगला पॉइंट आता है, हाँ, मेंडलवाद की पुनर्खोज। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा आपका मेंडलवाद की पुनर्खोज सेकंड। मटर के पादप का चयन हो गया, फर्स्ट सेकंड है, मेंडलवाद की पुनर्खोज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेगर जोन मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे मटर के पादप के बारे में, पूरा निष्कर्ष निकाल के प्रयोग करके नियम दिए थे, ये नियम क्या हुआ, कुछ दिनों बाद इनके बारे में अध्ययन करना बंद कर दिया गया, यानी किसी भी साइंटिस्ट ने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा।
लेकिन जब इनके सामने ऐसी परिस्थिति आई तो तीन साइंटिस्ट मिलकर इन नियमों का वापस उन्होंने प्रतिपादन किया और इस मेंडल के जो नियम हैं इनके नियमों की क्या कर दी, पुष्टि कर दी। तो ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, तो इसमें मुख्य रूप से तीन साइंटिस्ट हैं। देखो पहले जो साइंटिस्ट हैं वो है ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, एक तो ये साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस। और तीसरे साइंटिस्ट थे एडवर्ड एरिक वॉन सेरमैक। चलो ये तीन साइंटिस्टों ने मिलकर इस मेंडलवाद के नियमों की क्या कर दी, पुनः पुष्टि कर दी। ठीक है, और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें बता दी थी। चलिए अब अगला पॉइंट लेते हैं, फोर्थ पॉइंट जो रूपरेखा का अकॉर्डिंग है वो है अनुवांशिक शब्दावली। अनुवांशिक शब्दावली। चलिए अनुवांशिक शब्दावली में क्या है, कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि हमें ग्रेगर जॉन मेंडल के जब नियम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ परिभाषाएं पता होनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, क्या परिभाषाएं हैं, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। अब अनुवांशिक शब्दावली में पहली परिभाषा आपको पता होना चाहिए जीन की, यानी जीन क्या होता है। तो फर्स्ट परिभाषा जीन, जीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर का जब निर्माण होता है, प्रत्येक गुण का, प्रत्येक लक्षण का निर्माण होता है, तो प्रत्येक चीज़ के लिए एक जीन उत्तरदायी होता है, एक छोटा सा कारक उत्तरदायी होता है, जिसकी वजह से, उस जीन की वजह से हमारे माता पिता से गुण जो हैं वो हमारे अंदर प्रकट होते हैं, कुछ ना कुछ गुण। इसीलिए हमारे माता पिता से हमें कुछ शक्ल सूरत, हाव भाव, बोल चाल, थोड़ा फेस वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे माता पिता से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारे अंदर क्या प्राप्त हुए हैं, जीन प्राप्त हुए, वो कारक प्राप्त हुए हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो जीन क्या होता है, जीन होता है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक। चलिए किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। यदि मैं कहूं कि किसी व्यक्ति की हाइट बहुत लंबी है, इसका मतलब वो जीन जो है वो वहां पर प्रभावी है। यदि वो जीन उस लक्षण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो वो अप्रभावी हो जाएगा, और जब वो अप्रभावी हो जाएगा तो व्यक्ति जो है वो बौना हो जाएगा। तो इसे कहते हैं जीन। हमारी प्रत्येक लक्षण के लिए जीन उत्तरदायी होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के पूरे ढांचे का निर्माण होता है। अगला देखिए युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, तो युग्म विकल्पी क्या होते हैं भाई, देखो एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है। अब वो जीन यदि प्रभावी हुआ तो व्यक्ति में वो लक्षण प्रकट होगा, और वो जीन यदि कार्य नहीं कर पाया तो वो लक्षण प्रकट नहीं होगा। यानी इस जीन के क्या हैं, दो गुण हैं, दो रूप हैं। इन्हीं रूप को क्या कहते हैं, विप्यासी। यानी एक लक्षण, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक जीन के दो विप्यासी, दो विप्यासी स्वरूप स्वरूप होते हैं। ठीक है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक जीन के दो विप्यासी स्वरूप होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे
जैसे अब मैं कहूं कि यदि पादप लंबा है, पादप लंबा है तो उसका युग्म विकल्प भी हम नाम दे देते हैं कैपिटल डी, और यदि मैं कहूं कि पादप जो है वो बोना है तो उसका युग्म विकल्प भी क्या हो जाएगा स्मॉल टी। तो एक जीन के कितने युग्म विकल्प हुए, दो। देखो ये कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, यानी लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल टी। तो ये एक ही जीन के क्या है, दो विपरीत स्वरूप है। चलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं, संयुग्म जीन। तीसरा पॉइंट लेते हैं संयुग्म जीन। चलिए संयुग्म जीव, इन परिभाषाओं में से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए संयुग्म जीव क्या होते हैं, बहुत आसान है भाई। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है उसे जीन कहेंगे। इस जीन के कितने विपयाशी स्वरूप होते हैं, दो होते हैं। अब ये दोनों यदि समान है तो उसे क्या कहेंगे, संयुग्म जीव। तो कहेंगे हम क्या लिखेंगे, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी दोनों युग्म विकल्पी समान हो, यानी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुग्म जीन कहेंगे। जैसे जैसे मैं कहूं कि संयुग्म जीन लंबा, तो संयुग्म जीन लंबा से यहां मतलब हुआ पहला लक्षण भी कैपिटल टी, दूसरा लक्षण भी कैपिटल टी। या कहूँ मैं समयुग्मजी बोना तो यहाँ पर स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। तो समयुग्मजी बोना तो क्या आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। चलिए अब ये हो गए समयुग्मजी। अब आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। अगली फोर्थ परिभाषा है विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी में क्या होगा भाई, परिभाषा सेम रहेगी। क्या परिभाषा है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान, समान की जगह क्या करना है, असमान हो, असमान होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजी कहेंगे। जैसे 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 मैं कहूं, अब ये दोनों समान नहीं होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो जब छोटा बड़ा हो जाएगा तब इसको विषम युग्म जी कहेंगे। तो मैं कहूंगा विषम युग्म जी लंबा, तो इसको लिखेंगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो ये कैसा है, विषम युग्म जी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें अपने को देखने को मिलेगी, जो सम युग्म जी होती है होता है वो होता है शुद्ध, और जो विषम युग्म जी होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध, क्योंकि उसके अंदर बोने के भी लक्षण अप्रभावी लक्षण भी थोड़े बहुत प्रकट होते हैं। तो ये शुद्ध होता है ये अशुद्ध होता है, ठीक है। चलिए अगली जो परिभाषा है, अगली परिभाषा है वो है लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप की जो परिभाषा है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये पूरा अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मैंने काम कराया अच्छे से कॉपी में कर लेना, ठीक है। चलिए और एक ये पीछे का काम, ठीक है, इसको अच्छे से आप देख लेना। ये ऐसी परिभाषाएं और भी आएंगी अभी तक, ठीक है, अनुवांशिक शब्दावली अभी जारी है। चलिए तो आगे का काम जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।